कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने जावरा में नवीन सब्जी मंडी का कन्या पूजन के साथ लोकार्पण किया। इस दौरान फीता काटने की रस्म भी कन्याओं से कराई गई। कोरोना काल में लंबे समय बाद लोकार्पण का कोई आयोजन इस तरह भौतिक रूप से किया गया है। कमल पटेल ने इस मौके पर अपने राजनीतिक गुरु लक्ष्मी नारायण पांडे का स्मरण करते प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जावरा के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के किसान कर्मठ हैं और अनाज के साथ मसालों की पूर्ति में भी अग्रणी हैं। नवीन मंडी के निर्माण में 10 करोड़ रुपए लागत आई है। मंडी परिसर को खास अत्याधुनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा किसानों को उनकी उपज का भरपूर दाम मिले, इसके लिए भाजपा की सरकार संकल्पित है। मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी पांडे साहब वो मेरे को बेटा जैसा मानते थे, जितना इसने राजेंद्र से करते थे उससे ज्यादा मुझसे। उन्होंने मुझे अंगली पकड़कर राजनीति चलना सिखाया। जब मैं विद्यार्थी प्रसंग में था इंदौर से, तब से मेरे उनके संबंध है और इसलिए मैं आज उनको याद करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि मेरे गुरु के स्थान से कार्यक्रम शुरू किया जाए। पहला कार्यक्रम से मुझे कई गुना की खुशी है कि जावरा में 10 करोड़ के लगभग राशि से ये हमारी मंडी जो फल फूल सब्जी मंडी है, इसके विकास के लिए और कितना सुंदर ये परिसर बना हुआ है उसका शुभारंभ हुआ है और हमने कन्या पूजन करके इसकी शुरुआत की है। उन्हीं के हाथ से फीता कटवाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।